हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित दुबे और आज मैं आपके लिए लेके आ गया व्यूवर्स एक बिगर साइज 1 BHK का अपार्टमेंट लेके मीरा रोड ईस्ट लोकेशन में। ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों महारेरा से अप्रूव्ड है और इस बिल्डिंग का दोस्तों आ चुका है OC, जहां पे आपको गैस पाइपलाइन, 24 आवर वाटर सप्लाई। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों उसी बिल्डिंग का खूबसूरत एलिवेशन जो कि 23 स्टोरी का टावर है दोस्तों। और ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों ये रोड टच प्रॉपर्टी है जहाँ से आपको कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी दोस्तों, जैसे कि आपको रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन सब कुछ जस्ट नियर बाय में मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस्कॉन टेम्पल रेलवे स्टेशन की तो वो भी आपको नियर बाय में मिल जाएगा। और अभी हम आ गए दोस्तों ये पोडियम लेवल पे, जहाँ पे आपको दोस्तों ओपन पार्किंग स्पेस मिलता है और साथ में दोस्तों आपको कवर्ड पार्किंग स्पेस मिलता है और उसी से कनेक्ट होकर आपको जाता है ये लॉबी एरिया। ये आपको एंट्रेंस लॉबी दोस्तों नीचे भी बना के मिला हुआ है, ये मैं आपको ऊपर डायरेक्ट पोडियम से जो कनेक्टेड है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे भी आपको दोस्तों मिलता है टोटल लिफ्ट, जहाँ पे आपको 2 लिफ्ट जो है पैसेंजर लिफ्ट है और 1 लिफ्ट आपको सर्विस लिफ्ट मिलता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे जो एमिनिटीज़ मिलती है वो भी आपको पोडियम लेवल पे भी एमिनिटीज़ मिलती है, जैसे जिमनेजियम, योगा रूम। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं सीधे फ्लैट के अंदर। और अभी हम आ गए दोस्तों ये फ्लैट के अंदर और आप देख रहे हो ये लिविंग एरिया। और यहाँ पे आपको लिविंग एरिया का जो साइज़ मिलता है दोस्तों 10.0x15.6 का यहाँ पे आपको साइज़ मिलता है आपके लिविंग एरिया का। और उसी से अटैच है दोस्तों एक बालकनी जिसकी साइज़ आपको मिलती है दोस्तों 10.0x2.0 का। और यहाँ से दोस्तों आपको जो व्यू मिलता है वो काफ़ी प्रीमियम व्यू आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी से। यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा देके ये फ्रंट साइड का व्यू लिया हुआ है। ये एक रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसकी कारपेट एरिया की बात करें दोस्तों तो 473 स्क्वायर फीट का ये टोटल कारपेट एरिया है इस फ्लैट का। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे कॉमन टॉयलेट एरिया में। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये पैसेज जहाँ पे वॉश बेसिन रखा हुआ है। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये कॉमन टॉयलेट एरिया जिसकी साइज़ आपको मिलती है 4.1x6.1 की। और उसी से अटैच है दोस्तों एक यूटिलिटी एरिया जिसकी साइज़ आपको मिलती है दोस्तों 5.9x5.7 का। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको जैगवार जैसे ब्रांड की सैनिटरी एंड सीपी फिटिंग के साथ में मिलता है ये कॉमन टॉयलेट एरिया। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों सीधे किचन एरिया में। और अभी हम आ गए दोस्तों ये किचन एरिया में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों डबल साइड प्लेटफॉर्म के साथ में मिलता है ये किचन एरिया। और यहाँ पे अगर हम दोस्तों किचन एरिया के साइज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो वो लगभग 7.4x8.9 का साइज़ मिलता है आपके किचन एरिया का। और उसी से अटैच है दोस्तों एक यूटिलिटी एरिया जिसकी साइज़ आपको मिलती है दोस्तों 7x3 का। और यहाँ से भी जो आपको व्यू मिलता है दोस्तों काफ़ी ओपन व्यू के साथ में मिलता है ये आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा ये पूरा व्यू जो कि काफ़ी ओपन है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों सीधे पैसेज से होते हुए सीधे मास्टर बेडरूम में। और अभी हम आ गए दोस्तों ये पैसेज एरिया में। यहाँ पे जो दोस्तों पैसेज एरिया का साइज़ मिलता है 4.1x4.7 का मिलता है। और अभी हम आ गए दोस्तों ये मास्टर बेडरूम एरिया में जहाँ पे फॉयर एरिया आपको मिलता है दोस्तों 3.1x3 का। और अभी आप देख रहे हो दोस्तों ये मास्टर बेडरूम एरिया जिसकी साइज़ आपको मिलती है दोस्तों 12.0x9.0 का। और यहाँ पे आपको अलग से मिलता है वार्डरोब का स्पेस जो कि 5.9x2.0 का आपको साइज़ मिलता है आपके वार्डरोब का। और उसी से अटैच है दोस्तों एक बालकनी जिसकी साइज़ मिलती है दोस्तों 9x3.6 का, जहाँ से आपको व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ इस फ्लैट के। काफ़ी ओपन व्यू आपको मिलता है दोस्तों ये पूरे फ्लैट से, चाहे तो आप लिविंग एरिया से देखो या यूटिलिटी एरिया से देखिए या फिर आप मास्टर बेडरूम से देखिए। साइज़ के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको जो व्यू मिलता है वो काफ़ी प्रीमियम है, जहाँ पे उन्होंने अलग से पे करके ये प्रीमियम व्यू लिया हुआ है। और अभी आप आ गए दोस्तों ये मास्टर बेडरूम के मास्टर टॉयलेट एरिया में। और यहाँ पे जो आपको साइज़ मिलता है दोस्तों मास्टर टॉयलेट एरिया का 6x4.7 का साइज़ मिलता है। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको जैगवार जैसे ब्रांड की सैनिटरी एंड सीपी फिटिंग के साथ में मिलता है ये मास्टर टॉयलेट एरिया। और अभी हम आ गए दोस्तों ये बिल्डिंग के कंपाउंड एरिया में, जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों काफ़ी ओपन स्पेस मिलता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ आपके अपने मुंबई हाउसिंग अमित दुबे यूट्यूब चैनल पर। तो
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रॉपर्टी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ये प्रॉपर्टी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों अगर आपको आपकी भी प्रॉपर्टी सेल करना है या रेंट पे डालना है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको साइट विजिट प्लान करना है इस प्रॉपर्टी का तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और मेरे सेल्स टीम से आपको कॉल बैक आ जाएगा और वो लोग आपको प्रॉपर्टी आपके अकॉर्डिंग दिखा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।